नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ वंशिका नागल। सचिवालय परिसर स्थित आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र सभागार में शनिवार को आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस अवसर पर अपर सचिव आपदा प्रबंधन श्री आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि मीडिया की भूमिका आपदा के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। मीडिया तथा आपदा प्रबंधन तंत्र का समन्वय जरूरी है। यहाँ पे रोड बंद होने की संभावनाएं होती हैं, अमूमन रोड बंद होती हैं, तो वहाँ पे जो भी BRO हो चाहे PWD हो, उन लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे ब्लॉकेट हो सकता है। तो वहाँ पे पहले से जो JCB और अर्थ मूवर्स हैं उनको इंगेज करके लगाया जा रहा है। और इस बार विशेष रूप से यहाँ से निर्देश दिए गए हैं कि सभी इस तरह की जो मशीनें हैं उसमें GPS लगे, ताकि कहाँ पर है, कितनी देर काम कर रही है या मोबिलाइज करने में कितना समय लगेगा, उसका यहाँ से नियंत्रण हो सके। कंट्रोल रूम से तैयार है, आपदा कंट्रोल रूम हमारा तैयार है। इसके पहले हर एक मानसून सत्र के पहले हम लोग नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं विभिन्न विभागों से, 16 विभागों से, तो वो ऑलरेडी हमारी 3 जून से ही करके तैयार है और हमारे नोडल अधिकारी सारे बैठ रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं CWC से और IMD के साथ, वो हमारी हो गई है और हमने सबको सारी वार्ताएं करके हमारे पास डेटा आता है। हमारे पास 176 ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस हैं जहाँ से हमारे पास सारा डेटा आता है और उनका अध्ययन करके किस प्रकार की स्थितियां बन रही है इस पर निर्णय लिया जाता है।